नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किसी कारणवश दोस्तों 15 सितंबर 16 सितंबर के करंट अफेयर्स नहीं लेकर आ पाया था, लेकिन आज इन दोनों दिन के करंट अफेयर्स को मैं 17 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ इस वीडियो सीरीज में कवर करूंगा। तो देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स दोस्तों। जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी ने हाल ही में किस राज्य के प्रथम लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? तो इन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य के प्रथम लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की। इनको वहां के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा शपथ दिलाई गई। वहां के मुख्यमंत्री दोस्तों जगन मोहन रेड्डी हैं। बात करते हैं लोकायुक्त की, तो जैसे पूरे देश में भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल होता है, वहीं राज्यों में लोकायुक्त होता है। अगर बात करते हैं भारत के पहले लोकपाल की, तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 सितंबर को 1987 को आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अस्तित्व में आया था, जो ओजोन संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल है। बात करते हैं अगर 2019 के ओजोन संरक्षण दिवस की, तो इसकी थीम है दोस्तों कीप कूल एंड कैरी ऑन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसको राजस्थान ने लॉन्च किया है वहां के आम नागरिकों के लिए। बात करते हैं अगर राजस्थान की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब है और वहां के राज्यपाल कलराज मिश्र, जो पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की, तो वहां के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। भारत सरकार के सहयोग से किस देश के गोरखा और नवाकेट जिलों में 2015 के विनाशकारी भूकंप से क्षतिग्रस्त 5000 गांवों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है? तो ये कहां पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। बात करते हैं अगर नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली साहब है। बात करते हैं वहां के राष्ट्रपति की, तो वहां के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, जो वहां के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 79वां सदस्य कौन बना? तो सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइन्स अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 79वां सदस्य बना। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो इसकी स्थापना नवंबर 2015 में भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन के संयुक्त प्रयासों से हुई। इसका उद्देश्य दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में 121 देशों को सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ये ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों जिसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? भारत में स्थित है।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो बेल्जियन इंटरनेशनल चैलेंज का खिताब लक्ष्य सेन ने किसे पराजित कर अपने नाम किया? तो इन्होंने विक्टर स्वेंसन को हराकर बेल्जियन इंटरनेशनल चैलेंज को अपने नाम किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे स्थित भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार में किस बंगले का उद्घाटन किया? तो इन्होंने जयकर बंगले का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोस्तों इन्होंने NFAI DigiLab ऐप को भी लॉन्च किया। 15 सितंबर को दूरदर्शन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 15 सितंबर को दोस्तों दूरदर्शन का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। 22 सितंबर को अमेरिका के किस शहर में आयोजित होने वाले हाउडी मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप कार्यक्रम को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे? तो ये अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में, कहाँ पर? अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में। यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति 50,000 भारतीय मूल के नागरिकों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि देश के जाने माने नामी इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्विट्जरलैंड के वेलेप में किस प्रतिमा का अनावरण किया? तो इन्होंने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। चर्चा में रहा अरामोको तेल कंपनी कहां पर स्थित है? तो ये सऊदी अरब में स्थित है। ये क्यों चर्चा में रही दोस्तों? क्योंकि यमन के हुती विद्रोहियों ने इसको ड्रोन से तबाह करने की कोशिश की। किस खिलाड़ी ने IBSF विश्व बिलियर्ड्स का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो किसने कर लिया है दोस्तों? पंकज आडवाणी ने। इन्होंने थवे ओ को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। भारतीय अंडर 19 टीम फाइनल मुकाबले में किस टीम को हराकर 7वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है? तो इन्होंने बांग्लादेश को हराया है। चर्चा में रहा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। ये क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि इसका जो जल स्तर है दोस्तों, जल स्तर 138.68 मीटर, ये अपने जल स्तर को छू लिया इसने, इसलिए ये चर्चा में है। केंद्र सरकार ने किस विभाग की महत्वाकांक्षी ई आकलन योजना को अधिसूचित कर दिया है? तो आयकर विभाग की यह योजना है दोस्तों। दीक्षी जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसके तहत पश्चिम कामेंग जिले के दीक्षी गांव में यह स्थापित की जाएगी, जिसके तहत 24 मेगावाट बिजली को उत्पादित किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मेघालय विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो मेटाबा लिंगदो को मेघालय विधानसभा का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। बात करते हैं अगर मेघालय की, तो मेघालय के राज्यपाल तथागत राय और वहां के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। इंग्लैंड दौरे के लिए किसे भारतीय महिला हॉकी टीम की कमान सौंपी गई है? तो किसे
भारतीय महिला हॉकी टीम की कमान सौंपी गई है रानी रामपाल को। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट प्रतिक्रिया द्वारा जरूर बताइए। साथ ही हमारे पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी साइट को विजिट कर सकते हैं पीएससी अड्डा .com। धन्यवाद दोस्तों।